जय हिंद, जय भारत, जय जय गरुड़ गुजरात। मित्रों, आप सामने जो मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जो सती के पिता दक्ष प्रजापति के नाम पे ये 1810 में रानी धनकौर द्वारा बनाया गया था और 1962 में इसका पुनर्जीवन किया गया था। ये मंदिर हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूर कनखल शहर में आया हुआ है। यहाँ पे मंदिर में जब आप एंटर हो गए तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे आपको रुद्राक्ष की मालाएँ, एक कैन प्लास्टिक के कैन और 40 रुपये में एक कैन, वो सब कुछ पर्स, वो सब कुछ भी मिलेगा। ये मंदिर में यहाँ से आप बाहर शूज और रख के आप क्यू में लाइन में अंदर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। आज बहुत भीड़ है, श्रावण मास भी चल रहा है, तो अभी लगभग 45 मिनट जितना टाइम लगता है दर्शन करने में। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो हम वहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं। ये मंदिर के पीछे की ओर है श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी मंदिर, और उसके पीछे इधर श्री हनुमान दादा, काल भैरव जी, गणेश जी के भी मूर्तियाँ है सामने की ओर, जो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे पीछे रिनोवेशन का काम भी चल रहा है, और मंदिर में कॉरिडोर जो यहाँ पे है, बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ पे आपको खाने पीने की सब सब्जी भी मिल जाएगी। हरिद्वार में ज़्यादातर लोग गुजराती लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसा ही लगता है कि 80% लोग गुजराती है, तो यहाँ पे गुजराती खाना भी आपको अच्छी तरह से हरिद्वार में हर एक लोकेशन पे मिल जाता है। तो मित्रों, जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आओ तो उसका टाइमिंग खास ध्यान रखना। मुख्य द्वार बंद होने का समय है रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच में, और मंदिर जो प्रातः आरती श्रावण मास में 4 बजे से सोमवार 3:30 बजे होती है, अन्य समय 5 बजे से 5:15 के बीच में। मंदिर खुलने का समय श्रावण मास में 4 बजे, मंदिर बंद होने का समय 6:30 बजे है। और ये चीज़ का आप ध्यान रखो कि मंदिर में आप वस्त्र जो पहन के आ रहे हैं वो हिंदू संस्कृति के, जैसे जो हमें अच्छा लगे वैसा वैसा पहन के आना चाहिए। नाइट सूट, बरमूडा, ऐसा कुछ पहनने से मना करना चाहिए। और वहाँ मंदिर के बाहर ये आपको कार पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, यहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाती है, जो हरिद्वार स्टेशन से आपको 200-250-300 रुपये में यहाँ पर ऑटो वाले रहते हैं। यहाँ से चंडी देवी मंदिर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मनसा देवी मंदिर भी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मनसा देवी से दक्ष प्रजापति आप यहाँ पे आ सकते हो।